हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं नाइकॉन का D60 DSLR कैमरा। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथों में अभी ये फिलहाल है। इस पर मैंने 35mm वाला लेंस लगाया हुआ है f1.8 एपर्चर का। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक नाइकॉन हो, कैनन हो, सोनी हो, हर कैमरे का जेन्युइन रिव्यू मिलेगा और बाकी लेंसेज के रिव्यू भी मिलेंगे। उसके अलावा फोटोग्राफी से रिलेटेड जितनी भी आपको नॉलेज और टिप्स वगैरह चाहिए, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगी। मेरे चैनल पे एक कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, जिसमें कि मैं यही वाला कैमरा जो D60 है, इसको मैं गिव अवे करूँगा जब मेरे चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। उसको अगर आपको जीतना है तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियोज़ को शेयर करना है। और हाँ गाइस, मैं सिर्फ इस वाले कैमरे की बॉडी को दूंगा, ये वाला लेंस नहीं दूंगा। लेंस आप अलग से खरीद सकते हैं। एनीवेज गाइस, वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो अगर हम इस कैमरे की बात करें तो ये 10 मेगापिक्सल का कैमरा है, और 10 मेगापिक्सल ना तो बहुत ज़्यादा कम होते और ना बहुत ही ज़्यादा होते। 10 मेगापिक्सल में भी आप बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल लेवल का काम कर सकते हैं गाइस, क्योंकि 10 मेगापिक्सल, जैसे अगर आप सोशल मीडिया की बात करो, सोशल मीडिया पे 1 या 2 मेगापिक्सल की फ़ोटो होते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम की बात करो या आप फेसबुक की बात करो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मेगापिक्सल के उसमें रेजोल्यूशन रहता है। तो उसके लिए अगर आपको इस कैमरे का यूज़ करके अपने सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ डालने, इवन अगर आपको बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स भी बनाने हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, आप आराम से कर सकते हो। अगर हम बात करें कि ये कैमरा कब लॉन्च हुआ था, तो ये कैमरा लॉन्च हुआ था 2008 में। तो उस हिसाब से ये कैमरा ऑलमोस्ट 13 साल पुराना हो चुका है, लेकिन आज की तारीख में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और हाँ गाइस, ये वाला कैमरा सिर्फ और सिर्फ फोटोज़ को शूट करता है, इसमें आप कोई भी वीडियो मेकिंग का काम नहीं कर सकते। अब हम इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर हम इसकी ISO रेंज की बात करें तो 100 से लेकर 1600 तक जाती है, जिसको कि आप एक्सपेंड कर सकते हैं 3200 तक। और 3200 की रेंज मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम है। तो अगर आप कोशिश करें कि इसको अच्छी लाइटिंग कंडीशन में यूज़ करें, कि जैसे धूप निकल रही है, दिन में आप यूज़ करें, अगर आप इसको शाम के वक्त यूज़ कर रहे हैं या लो लाइट में, तो तब आप कोशिश करें कि अगर आपके पास 50mm का प्राइम लेंस है या 35mm वाला f1.8 का प्राइम लेंस है, तो आप उसको यूज़ करके लो लाइट में भी इससे काफ़ी अच्छे फोटोज़ निकाल सकते हो गाइस। उसके अलावा अगर हम इसके ऑटो फोकस पॉइंट्स की बात करें, तो इसमें सिर्फ 3 ऑटो फोकस पॉइंट है, तो जो कि काफ़ी कम है, तो ट्रैकिंग के लिए इतना अच्छा नहीं है। बट फोटोग्राफी अगर आपको करनी है, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी या आपको लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी है, तो उसमें अगर आपके पास सिर्फ अगर एक ऑटो फोकस पॉइंट भी है तो वो भी मोर देन एनफ है। आप फोकस और रिकम्पोज वाली टेक्निक को यूज़ करके हर एक जगह पे ऑटो फोकस पॉइंट को मूव कर सकते हो। फोकस और रिकम्पोज जो टेक्निक है, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। तो अगर किसी कैमरे में कम ऑटो फोकस पॉइंट है या एक में ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि कम वाले से आप अच्छा फ़ोटो नहीं ले सकते, आप बेशक ले सकते हैं अगर आपको फोकस और रिकम्पोज करना आता हो। बैक साइड से अगर हम इसको देखें तो इसमें आपकी 2.5 इंच की LCD स्क्रीन है, जो कि ना तो बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी, और इसका रेजोल्यूशन ठीक ठाक है। जब आप अपने इसमें इमेजेस वगैरह देखते हैं तो काफ़ी अच्छी आपको दिख जाती है। इसका ये जो व्यू फाइंडर है, ये काफ़ी बड़ा है, तो ये चीज़ इसमें मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। अगर हम इसकी टॉप से बात करें, तो जैसे नाइकॉन के D5000 सीरीज के कैमरे हैं, ऑलमोस्ट वैसा ही है। इसमें ऊपर में कोई अलग से LCD स्क्रीन नहीं है, सेम टू सेम जैसे उनमें डायल होते हैं वैसा ही डायल इसमें भी है। और ये आपका शटर बटन हो गया, और इसमें आपका यहाँ से एक्सपोजर कॉम्पोजिशन वगैरह चेंज कर सकते हो आप। इसमें पीछे में सिर्फ एक ही ये डायल है, जिससे आप शटर स्पीड, अपर्चर या कुछ भी एडजस्ट करना है वो आप कर सकते हो। यूजुअली जो थोड़े ज़्यादा प्रोफेशनल कैमरा होते हैं, उसमें सामने की तरफ भी एक डायल होता है, लेकिन इस वाले कैमरे में नहीं है। उसके अलावा गाइस, इसमें आपका बिल्ट इन ऑटो फोकस मोटर नहीं है। तो ये वाला कैमरा अगर आप D80 कैमरा से कंपेयर करो, D80 कैमरा और इसमें सेम सेंसर है, तो जो इमेज क्वालिटी D80 कैमरा से निकल के आएगी, एग्जैक्टली सेम इमेज क्वालिटी इस वाले कैमरा से भी निकल के आएगी, क्योंकि दोनों में सेम सेंसर है, दोनों की ISO रेंज सेम है। और हाँ गाइस, ये 3 फ्रेम पर सेकंड शूट कर सकता है, तो आप 1 सेकंड में 3 फोटोज कंटिन्यूसली ले सकते हो। लेकिन D80 कैमरा की तरह इसमें आपका फोकस मोटर बिल्ट इन नहीं है कैमरे के अंदर, तो इसलिए आप इसमें जो नाइकॉन के पुराने जो डी सीरीज वाले लेंस थे, जिनमें आपका ऑटो फोकस मोटर नहीं होता था, तो आप उनको यूज़ नहीं कर पाओगे गाइस, ठीक है। लेकिन
उसके अलावा अगर आपके पास नाइकोन के और जितने भी लेंसेज हैं आज तक के, मतलब जिसमें आपका ये AFS वाले लेंसेज हो गए जिसमें लेंस के अंदर ही आपका फोकस मोटर बिल्ट इन होता है, उनको आप आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइस। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आप एक्सपोजर ब्रैकेटिंग कर सकते हो जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस प्राइस रेंज में। जो ये कैमरा मिलते हैं एंट्री लेवल, यूजुअली उनमें नहीं रहता, बट आप इस कैमरा में कर सकते हो गाइस। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी ख़राब बातों के बारे में। तो गाइस जो इसकी एक ख़राब बात है, ऑब्वियसली यू नो इसकी ISO परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो लो लाइट में थोड़ा स्ट्रगल करेगा। तो इसलिए आप कोशिश करना कि प्राइम लेंस वगैरह आप यूज़ करो इस वाले कैमरे के साथ, अगर आप लो लाइट में शूट कर रहे हो। अगर आप दिन में शूट कर रहे हो तो आप इससे काफ़ी अच्छी इमेज निकाल सकते हो, 10 मेगापिक्सल काफ़ी अच्छा होता है। अगर हम इसकी डायनामिक रेंज की बात करें तो इसकी डायनामिक रेंज भी थोड़ी कम है, 11.2 की इसकी डायनामिक रेंज है। लेकिन अगर हम उसको कैनन के कैमरा से कंपेयर करें तो इवन कैनन के जो इवन आज की तारीख में लेटेस्ट कैमरा आ रहे हैं उनमें से कुछ कैमरों की 11.2 ही डायनामिक रेंज है, तो ऑलमोस्ट उसके बराबर ही है ये। और कलर डेप्थ और वगैरह इसके बहुत अच्छा है, तो अगर आप इसको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छी चॉइस है। अगर हम इसके वजन की बात करें तो अराउंड 550 ग्राम के आसपास इसका वजन है, तो बहुत ज़्यादा भारी नहीं है और बहुत ज़्यादा हल्का नहीं है। बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी सॉलिड है, तो जब आप हाथ में पकड़ते हो तो काफ़ी अच्छा और सॉलिड आपकी ग्रिप बनती है। उसके अलावा गाइस ईजी टू यूज़ है, जैसे कि नाइकोन के और कैनन के अधिकतर कैमरा होते हैं बहुत ईजी टू यूज़ होते हैं, तो ये कैमरा भी बहुत ईजी टू यूज़ है गाइस। अब हम इससे ली हुई कुछ जो सैम्पल फ़ोटोज़ हैं मैं अपनी स्क्रीन पर डाल देता हूँ, तो आप जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो आप फ़ोटोज़ को भी देख सकते हैं कि वो कैसी इस कैमरे से आई है। तो गाइस क्योंकि इसमें वीडियो तो है नहीं कैमरे में, तो मैं वीडियो का कोई सैंपल या आउट ऑफ फोकस का सैंपल तो इस वीडियो में नहीं डाल पाऊँगा, तो आप फ़ोटोज़ को ही देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे कैसे फ़ोटो हम निकाल सकते हैं गाइस। और पर्सनली अगर मैं कुछ कहूँ तो इसमें से आप काफ़ी अच्छे फ़ोटो निकाल सकते हो, बशर्ते कि आपको फ़ोटोग्राफी की अच्छी नॉलेज है और आप अच्छा लेंस यूज़ कर रहे हो। अगर आप 50mm f/1.8 का नाइकोन का लेंस इसके साथ यूज़ करोगे तो अगर आप पोर्ट्रेट फ़ोटो ले रहे हो तो उसमें आप बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो, और फ़ोटो क्लिक होने के बाद कोई भी इंसान ये नहीं बता पाएगा कि ये फ़ोटो इस 13 साल पुराने कैमरा से लिए हैं जो कि सिर्फ 10 मेगापिक्सल का है। और कोशिश करना कि अच्छी लाइटिंग कंडीशन में फ़ोटो लो ताकि उनमें लो ISO पे शूट कर सको और उसमें ग्रेन्स ना आए ज़्यादा। एक इस कैमरे की जो मुझे बुरी बात लगी वो ये था कि इसमें जो ऑटो ISO है वो काम नहीं करता। तो बेसिकली होता क्या है कि ऑटो ISO में अगर आपने अपने कैमरे को ऑटो ISO पे सेट कर दिया है तो सिर्फ आप या तो शटर स्पीड को सेट करोगे या आप एपर्चर को सेट करोगे और बाकी चीज़ें कैमरा ISO वगैरह अपने आप सेट कर देगा, लेकिन इस कैमरे में वैसा नहीं है। तो आपको अगर लाइटिंग कंडीशन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है तो आपको बार बार अपना ISO कम ज़्यादा करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका फ़ोटो लेने की स्पीड थोड़ी कम हो सकती है। तो सिर्फ वो एक चीज़ मेरे को इस कैमरे में थोड़ी ख़राब लगी, बट बाकी जिस अगर प्राइस रेंज में ये कैमरा मिलता है तो यार उस हिसाब से तो मतलब बहुत अच्छी डील है। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने रुपए में आपको ये कैमरा लेना चाहिए आज की तारीख में। तो गाइस अगर मैं इसकी कैमरे की बॉडी की बात करूँ तो मैंने सिर्फ इसकी बॉडी ली थी और मेरे को वो 4,500 रुपये में मिल गई, अगर मैं इंडियन रुपये में कन्वर्ट करके बताऊं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप इंडियन रुपीज़ को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में था, इसमें सिर्फ 6,000 फ़ोटो क्लिक हुए हैं, जो कि 6,000 फ़ोटो बहुत कम होते हैं। मतलब इसका शटर काउंट सिर्फ 6,000 है। यूजुअली जो इस टाइप के कैमरा है वो 1,00,000 तक उनका शटर काउंट आराम से जा सकता है, इवन 1,00,000 के बाद भी वो आराम से काम करते रहते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छी गुड कंडीशन में मिल गया, इसमें कोई भी स्क्रैच नहीं है स्क्रीन में, सब कुछ एकदम बढ़िया है, कोई डस्ट नहीं है और अभी भी बहुत अच्छे फ़ोटोज़ ले रहा है। तो अगर आपको आप इंडिया में हैं मे बी 5,000 के आसपास में अगर आपको ये कैमरा की बॉडी मिल जाए, अगर आपको साथ में लेंस भी मिल जाए, मान लीजिए 6,000 में कोई आपको दे रहा है विद लेंस, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, बशर्ते कि आपको सिर्फ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है गाइस। अगर आपको वीडियोग्राफी का काम करना है तो फिर ये कैमरा आपके लिए नहीं है। तो क्या ये कैमरा आपको लेना चाहिए? हाँ गाइस, अगर आप एक बिगिनर फोटोग्राफर हो, आप कॉलेज में पढ़ते हो, आप यंगस्टर हो और आपको अपने इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ वगैरह लेने हैं, तो आप ये सस्ते में ये कैमरा ले लो और साथ में आप 50mm का एक प्राइम लेंस ले लो और फिर आप बढ़िया एकदम पोर्ट्रेट फ़ोटो ले सकते हो, जो कि दिखने में किसी एकदम 50,000 या 1,00,000 के कैमरे की टक्कर के ही लगेंगे। मतलब कोई देखने के बाद उनको
बता नहीं पाएगा कि ये इस 5-6 हज़ार रुपये के कैमरे से लिए हैं या 1 लाख के कैमरे से लिए हैं गैस। तो गैस ये था इस कैमरे का एक छोटा सा रिव्यू। काफ़ी अच्छा कैमरा है और इस कैमरे को जैसे मैंने बताया मैं गिव अवे कर रहा हूँ सिर्फ कैमरा की बॉडी को। तो उसके लिए आपको पता ही है करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, वीडियो को शेयर करना है और आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करके वहाँ पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो या यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी मेरे को आप इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन के नीचे इजीली मिल जाएगी गाइस। तो गाइस फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो में और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट अगर चैनल के टूवर्ड्स ऐसे ही बना रहा तो हम काफ़ी ग्रो कर सकते हैं और फिर उससे यूट्यूब से जो भी अर्निंग होगी उससे मैं आप लोगों के लिए कैमरा और लेंसेज गिव अवे ईजिली कर सकता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, अलविदा।